वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में लगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल 47 राइडर्स। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज सेकंड डे था एग्जॉस्ट लगने के बाद एंड पता ही नहीं क्या हो गया था। विदाउट एग्जॉस्ट सिस्टम जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लगा हुआ इसमें, आप चेक कर सकते हो। देखो इतना फटाफट आ रहा है एंड अभी देखना थोड़ा सा भगा के भी देख लेंगे इतना देख के समझता है। तो यार अभी डायरेक्ट मोटर मार के चलते हैं बिकॉज अब फंस हुआ है, पूरी कोशिश करेंगे, अब देखते क्या होता है। रिएक्शन वगैरह सब वीडियो में आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में सब रिएक्शन मतलब क्या क्या होगा सब आपका एक्सपीरियंस वगैरह सब बता दूंगा। R1M का एक्रोपोविक लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो आप पूरी वीडियो कंटिन्यू देखो तब जाके आपको पता चलेगा। रिएक्शन आ गया। तो गाइस खर्चे पे खर्चा मैं गरीब हो जाऊंगा ऐसे करोगे तो खर्चा ये लग गई। यहाँ पे पत्ती लगेगी, अभी चेक होगी, पत्ती चेक होगी। अरे भैया बस भैया गद्दी। सो फाइनली गाइस अपनी पत्ती पर, ओ यार इतना दूर नहीं रहना चाहिए, बस इतना दूर एग्जॉस्ट आते हो देखो ना कैसा लग रहा है। इधर मोहित की नई बाइक लिया है, मोहित इसको बना रहा है, क्या बना रहा है मोहित इसको? हायाबुसा बनेगी भाई। ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगी है, ये मोहित की क्या है, ये मोहित की क्या होंडा की हायाबुसा है। भूपेंद्र भाई उधर देखो, बस थोड़ा गली इग्नोर करो, बैकग्राउंड इग्नोर करो। मोहित भाई इस बाइक की फोटो ले रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा कस्टमाइजेशन करानी है एंड DM करो जिसको कस्टमाइजेशन का ज्यादा नॉलेज है। रजा तो चेक कर सकते हो नुकसान एंड 47 एक नंबर बनवाया जो केशव है ना, केशव उसकी शॉप से लिया है उसे। ये देख सकते हो केशव टूटा, अभी एग्जॉस्ट थोड़ा इधर होएगा, अभी नुकसान हो चुका है। ये दोनों के दोनों बस नुकसान देखते रहते हैं और खुश रहते हैं हमारे नुकसान से। तो यार अपने ये क्या नाम, भूपेंद्र भाई प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। ये अपने भैया है, इनका नाम भूल जाता हूँ मैं हमेशा। पुलिया के पास खड़े भैया हम। सो यार वो अपनी पत्ती थोड़ा सा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, और वो खड़े भूपेंद्र भाई ये मॉडिफिकेशन चेक कर रहे हैं और अभी चेक करते हैं अपना थोड़ा सा बाकी रह गया है। सो यार पत्ती लग चुकी है देखो मेटल की एंड नुकसान पे नुकसान। थोड़ा सा नीचे देखते हैं, नीचे से पहले भी फ्री हो गया था, मतलब एकदम थ्रोटल देने पर डायरेक्ट फ्री हो गया था, मतलब एक थ्रोटल देने पर एकदम फिक वो होता है ना, एकदम खिसक गया था तो खिसक गया था, और कोई दिक्कत। एग्जॉस्ट के साउंड आइडल बहुत प्यारा है। ओ भाई पापा की परी से भी तो एक्सीडेंट होता तो बढ़िया। पब्लिक रिएक्शन तगड़ा आ रहा है। Thank you.
भाई अंदर से देख रहा है बॉटम से। पुलिस 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 तगड़ाई भाई, तगड़ा साउंड आ रहा है बाइक का यार। तो गाइस अपना कंप्लीट हो चुका है, एग्जॉस्ट एंड लाइनअप लग चुका है, चेक कर सकते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का साउंड अब सुनाऊंगा मैं, बिकॉज पहले तो खराब हो चुका था, आपको पता है ना कि क्या कांड हुआ। इससे चेन लूप करानी है, वॉश करवानी है, एग्जॉस्ट ये रहा। कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे, शायद ये अंदर घुस रहा है क्या यार, ये अड़ रहा है क्या भाई। कुछ अड़ोड़ के नुकसान मत हो जाना, अब नुकसान झेल नहीं पाऊंगा। ये भूपंदर भाई पिछली बार की तरह गाड़ी आते ही अभी साइलेंसर लगते ही है, देखो ये अभी तो फर्स्ट। सो गाइस बाइक वाइक वॉश करने के बाद देखो क्या चमक रही है अपनी बाइक मस्त। एंड अपन ने क्या करवाया था मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसका क्या है वो फुटरेस्ट होता ना तब जरूर मैं सेट कर सकता था, बाकी मुझे पसंद नहीं था मतलब फुटरेस्ट में किसी को बिठाता नहीं हूँ पीछे। तो यार ये पत्ती मैंने मेटल की डलवाई, एंड मेटल डलवाने के बाद भी अगर मैं वहाँ पे उसको ठोक देता तब भी लूज रहता, देखो ये पाइप अभी भी हिल रहा है। तो मैंने क्या किया, एक सॉकेट एक वजह से इस पर बेल्ट कराया, वो जो ओरिजिनल पाइप है उस पर बेल्ट कराया, तो मतलब क्या है ना तो पाइप खराब हुआ ना कुछ खराब हुआ, मतलब वो सपोर्ट रह गया एक। आप चेक कर सकते हो सपोर्ट कैसे बनाया है, देखना ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट ऐसा है। तो क्या यार पता ही नहीं क्यों, कोई बताना मुझे कमेंट में कि मैंने क्या गलती करी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम डलवाया यार, वो भी आरएस में, इतना नहीं पता था मुझे। तो आप बताना जरूर कि क्या कमी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू। एंड कमेंट में जरूर बताना अगर रिएक्शन की वीडियो लानी है, तो आप कमेंट कंप्लीट तो पूरे करते नहीं हो, तो रिएक्शन की वीडियो जल्दी आएगी। एंड एवरेज वगैरह टॉप अप वगैरह सब चेक करेंगे अपन। एंड एग्जॉस्ट अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताओ कैसी लगती है वीडियो आपको।